समय हम जम्मू के तालाब टिलो इलाके में मौजूद हैं, जहां पर देर रात यहां पर एक लकड़ी के गोदाम में जो है वो आग लग गई है, जिसके बाद यहां पर जो 3 मंजिला इमारत थी वो यहां पर गिर गई है। और जो फायर सर्विसेज के लोग जो यहां पर आग बुझाने के लिए आए थे, उनमें से 3 लोग जो हैं वो अभी भी मलबे के नीचे यहाँ पर दबे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि एक सिविलियन जो है वो भी यहाँ पर मलबे के नीचे हो सकता है, और उसी को बचाने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर फायर सर्विसेज के लोगों के अलावा NDRF की टीम और प्रशासन के बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ पर बचा लिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर ये बड़ा हादसा जो है वो कैसे हो गया, और इतने कंजस्टेड इलाके में यहाँ पर लकड़ी का गोदाम जो है वो यहाँ पर कैसे मौजूद था, उसको लेकर प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर कई सवाल।